हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल योर न्यू डायरेक्शन। साथियों, एसएससी में सब इंस्पेक्टर, सीनियर सब इंस्पेक्टर और जूनियर सब इंस्पेक्टर, सीपीओ और भी पदों के लिए जो वैकेंसी आई है उसमें ऑनलाइन आवेदन आपको किस प्रकार करना है, आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूँ। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो फॉर्म भरते समय कोई भी गलती आप नहीं करेंगे, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखें और वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें। तो इस पेज का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसमें आप नीचे आ जाइएगा और नीचे आने के बाद यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म का लिंक है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह भी आप यहाँ से देख पाएंगे, तो हम इस पे करेंगे क्लिक। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हम रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आ जाएंगे जहां से हमें रजिस्ट्रेशन करना है। यहां पर जैसे ही आप नीचे आएंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन मिल रहा है, डू यू हैव आधार। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहां पर आप यस करिएगा और अपना आधार नंबर यहां पर डाल दीजिएगा। नहीं है तो आप यहां पर नो करिएगा। हम बिना आधार के आपको बता रहे हैं, ठीक है। आधार अगर आपके पास है तो इसे जरूर यहां पर डालें। अब अगर आप आधार नहीं है तो यहां पर देख रहे हैं टाइप ऑफ आईडी, तो कोई दूसरी आईडी आपको यहां पर देनी रहेगी, जैसे कि पैन कार्ड, स्कूल आईडी। तो ज़्यादातर अभ्यर्थी जो आवेदन करते हैं वो पढ़ाई कर रहे होंगे तो उनके पास स्कूल और कॉलेज की आईडी होगी। आप इस पे सेलेक्ट करिएगा और आपके स्कूल और कॉलेज की जो आईडी नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे आपको आईडी नंबर यहाँ पर डालना है। आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, ठीक है। हर चीज़ें आपको दो बार एंटर करनी रहेंगी। जैसे आपने अपना नाम लिखा राहुल, तो हम यहाँ पर दोबारा फिर से इसको वेरीफाई करने के लिए अपना नाम लिखेंगे राहुल, ठीक है। अगर आप गलती करेंगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या आप अपने नाम को यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर नो रहने देंगे, ठीक है। अगर आपके नाम में कोई प्रॉब्लम है तो आप यस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपने फादर का नाम डालेंगे इस प्रकार से। सारी चीज़ें कैपिटल लेटर में हैं और हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार ही कोशिश करिएगा कि डालें ताकि कोई गलती ना हो। फिर उसके बाद मदर नेम यहाँ पर लिखेंगे। सभी चीज़ें आपको दो बार ही यहाँ पर लिखनी हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको इंटर करना रहेगा। उसके बाद अब आपको अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी रहेगी। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और हमारी डेट ऑफ बर्थ है, हम उसे यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। 1999 जनवरी और 1 यहाँ पर हम डाल देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर दोबारा से अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो हम दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर इस प्रकार से सेलेक्ट कर देंगे। फिर क्या होगा, आप नीचे आइएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं हाई स्कूल का एग्जामिनेशन डिटेल यहाँ पर आप भरनी है हाई स्कूल की। तो बोर्ड कौन सा है, सबसे पहले वो बोर्ड डालिए, ठीक है। जो आपका बोर्ड हो वो बोर्ड यहाँ पर आप डाल दीजिए। उत्तर प्रदेश बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है, त्रिपुरा है, दिल्ली बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड हो वो यहाँ पर आपको डालना रहेगा, ठीक है। तो आपका जो बोर्ड हो, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश बोर्ड यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। यूपी बोर्ड, मद्रास है, कोई भी हो जो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी मार्कशीट में ये पड़ा होगा। उसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पर अपना बोर्ड फिर से सेलेक्ट करना है, फिर से हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने हाई स्कूल का नंबर यहाँ पर डालना रहेगा इस प्रकार से, ठीक। फिर इसको क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करिए। हमने वेरीफाई कर दिया, यानी कि दोबारा से रोल नंबर आपको इंटर करना रहेगा। फिर आपने हाई स्कूल किस सन में पास किया वो यहाँ पर आपको डालना है, तो आप डाल दीजिए जब भी आपने हाई स्कूल पास किया हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको हाई स्कूल यहाँ पर जब भी आपने पास किया है वो यहाँ पर डालना है और दोबारा से फिर से आपको इंटर करना है। मेल है, फीमेल है, वो सेलेक्ट करिए, दो बार ही करना है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। लेवल क्या है, आप कहाँ तक आपने पढ़ाई की है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन हैं, डिप्लोमा हैं, पीएचडी हैं, तो आप सब यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन की मांगी गई है, तो हम यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करना है इस प्रकार से, और फिर दोबारा से आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है इस प्रकार। तो हम दोबारा से अपना मोबाइल नंबर डालेंगे।
अब साथियों यहाँ पर ईमेल आईडी आपको स्मॉल लेटर में लिखनी रहेगी, याद रखिएगा ईमेल आईडी यहाँ पर आपको स्मॉल लेटर में लिखनी है, ठीक है। स्मॉल लेटर में ईमेल आईडी आप यहाँ पर टाइप करें इस प्रकार से, उसके बाद दोबारा से अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप करें, तो हम दोबारा से इसको ईमेल आईडी अपनी यहाँ पर टाइप कर देते हैं, गलती ना होने पाए क्योंकि फॉर्म सुधार करने का मौका यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। उसके बाद परमानेंट जो आपका एड्रेस है किस राज्य का है, ठीक है, किस राज्य दूसरा जिस राज्य से आप आवेदन कर रहे हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, वो राज्य यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा इस प्रकार से, और इसको डिटेल्स को दोबारा से एक बार चेक कर लीजिएगा सब चीज़ें सही हैं। अगर बेसिक डिटेल आपकी सही है तो यहाँ पर सेव बटन है ग्रीन कलर की, इस पर आप क्लिक करके कन्फर्म करिएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, इसको कन्फर्म करना है आपको। तो चलिए हम इसको कन्फर्म करते हैं। जैसे ही आप आगे सबमिट करेंगे यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 14 दिनों के लिए आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है जो आपको 14 दिन वैलिड रहेगा, ठीक है, इसके बाद ये ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले आपको ये फॉर्म को भर लेना है। अब इसको हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे साथियों यहाँ पर हमारा ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, यानी कि जो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला था, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद यहाँ पर आपको क्या डालना रहेगा, ये जो कैप्चर कोड दिख रहा है इस कैप्चर कोड को आपको यहाँ पर डालना रहेगा। तो हम इस कैप्चर कोड को यहाँ पर डाल देंगे और आप अपना ईमेल आईडी, ठीक है, आप अपनी ईमेल आईडी चेक करिएगा, और ईमेल आईडी के साथ साथ आप अपना मोबाइल नंबर भी चेक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पर भी आपको एक मेल आई होगी, वहाँ से भी आप पूरी डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर चेक करेंगे यहाँ पर सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, ओटीपी वगैरह जो भी आया होगा वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ से ये करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप क्या हो जाएंगे, लॉगिन हो जाएंगे सब इंस्पेक्टर दिल्ली, जो पुलिस का वैकेंसी चल रही है वो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी, और जो वैकेंसीज चल रही होंगी तो वो भी यहाँ पर शो करने लगेंगी आपको। फिलहाल हमें सब इंस्पेक्टर के बारे में देखना है तो हमें अप्लाई करना है सबसे पहले, तो हम जाएंगे अप्लाई पर, ठीक है, सबसे पहले हम अप्लाई पर जाएंगे। जैसे ही हम अप्लाई पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जैसे ही आप अप्लाई करते हैं आपका नाम वगैरह जो भी आपने फिल किया था वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको दिखने लगेंगी, ठीक है, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही होंगी जो भी आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं फिल करना रहेगा, केवल यहाँ पर आपको सबसे पहले जो एग्ज़ाम का सेंटर है वो आपको सेंटर अपने अनुसार सेलेक्ट करना है, जहाँ पर भी आप देना चाहें 3 सेंटर यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, तो हम 3 सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, 3 सेंटर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अगर एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो आप यस करिएगा, अन्यथा इसको आप नो कर दीजिएगा। फिर नो करने के बाद आप नीचे आएंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पर, जैसे कि ये डिपार्टमेंट कैंडिडेट है अगर आप दिल्ली पुलिस के तो यस करें, अन्यथा आप इसको नो करें। एज में अगर किसी प्रकार की आपको छूट चाहिए, ठीक है, एससी एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं, तो यहाँ पर यस करें, क्योंकि वहाँ पर आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी। नहीं है तो कुछ नहीं, इसको आप छोड़ते जाइएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, तो आप क्या करेंगे, आपने ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया था फॉर्म को भरते समय, तो आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, जो भी कर रखा है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि आपने क्या कर रखा है, तो मान लीजिए हमने बीए कर रखा है तो हम बीए यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर यहाँ पर हमारा सिग्नेचर और साइन देखिए अपलोड हो चुका है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा सिग्नेचर और साइन यहाँ पर अपलोड हो गया है। अब उसके बाद अपलोड जैसे ही ये हो गया है सभी चीज़ें यहाँ पर देखिए अपलोड है हमारा, क्योंकि हमने पहले से ही वेरीफाई कर दिया है, यहाँ पर इसको आप टिक करेंगे और उसके बाद इस कैप्चर कोड को यहाँ पर आप इस प्रकार से डाल देंगे। तो हम इस कैप्चर कोड को डालेंगे और इसको प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह से आपका फॉर्म यहाँ पर दिखेगा, देख लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर फॉर्म, और उसको फिर उसके बाद हम दिखने के बाद सब चीज़ें अगर हमारी सही हैं तो हम इसको सबमिट करने के बाद ओके कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ओके कर दीजिए, ओके एक्सेप्ट हो गया फॉर्म। एक्सेप्ट होने के बाद अब यहाँ पर अगर आपका ओबीसी और जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर पेमेंट करनी रहेगी, तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट स्टेटस वगैरह यहाँ पर देख पाएंगे, जैसे कि मान लीजिए हमें पेमेंट स्टेटस दिखना है कि क्या है हमारा, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, हमने एसटी कैटेगरी के लिए किया है तो हमें कोई भी यहाँ पर पेमेंट नहीं देनी है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है।
एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ से आप देख पाएंगे, देखिए एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, कोई फीस नहीं, प्रोविजनल एक्सेप्टेड, सभी चीज़ें हमारी एक्सेप्ट ही हैं, इसको आप चेक कर लीजिएगा। इतना चेक करने के बाद फिर यहाँ पर जो ये प्रिंट का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। तो जैसे ही आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां से आपने जिस फॉर्म को आवेदन किया है उसका प्रिंट यहां से ले पाएंगे। तो पेज लोड हो रहा है, इसको लोड होने दीजिए, और तब तक मैं आपको यहां पर डिटेल्स दिखा सकता हूं। पेमेंट स्टेटस है, एप्लीकेशन का स्टेटस है, डबल वेरिफिकेशन जो आपका पेमेंट का वेरिफिकेशन है वो भी यहाँ से आप देख पाएंगे, ठीक है। सब चीज़ें यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा लॉग इन करने के बाद। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर ये हमारा फॉर्म पूरी तरह से फिलअप हो गया है, हमें यहाँ पर अब कोई भी चीज़ें आगे नहीं करनी है। इस फॉर्म को देखिए इस प्रकार से फिल हो गया है। फिल होने के बाद अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये प्रिंट का ऑप्शन है, आप प्रिंट चाहें तो प्रिंट ले लें, डाउनलोड करना है आपको अपने डेस्कटॉप पर रखना है तो डाउनलोड पर क्लिक करिएगा इस प्रकार से। और जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर साइड पर एक विंडो आएगी, इसको अपने डेस्कटॉप पर आप इस प्रकार से सेव कर लीजिए, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन हमारी डेस्कटॉप पर सेव हो गई है, पूरी तरीके से सेव हो गई है। अब इसको आप जब चाहें इसको ओपन करके इस प्रकार से प्रिंट ले सकते हैं या रख भी सकते हैं, ये आप इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस करना है। तो फीस करने के लिए आपको ऑनलाइन फीस जमा करनी रहेगी, आसानी से अभ्यर्थी कर लेंगे। फॉर्म भरने का तरीका मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आया तो वीडियो को तुरंत लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय।